जय हिंद दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बहुत बेहतरीन तरीके से श्वसन तंत्र पढ़ाने का काम किया और इसके बाद हम बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं बेहतरीन तरीके से चैप्टर चल रहा है। आपको बता दें, आपको नोट्स बनाने हैं, वीकली रिवीजन करना है। बार बार मैं यही बात कहता हूँ, हर वीडियो में आपको यही समझाने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि आपके जीवन में दुख उत्पन्न ना हो इस प्रकार की स्थिति मुझे लाने का काम करना है। टॉपिक के साथ साथ आपको बहुत सारी चीजें लेके चलनी होगी, क्योंकि आप फ्यूचर अकेडमी एक्स वाई जेड से जुड़े हैं। एक्स वाई जेड का मतलब ही होता है शुरू से लेके आखिरी तक, और इसके साथ ही राम सेतु बैच भी प्रारंभ होगा। बहुत बेहतरीन भव से पाल लगाने वाला बैच, राम सेतु बैच, है ना? चीजें समझ रहे होंगे, बहुत बढ़िया तरीके से समझे। ऐसा लगेगा ना, आनंद आनंद, परम आनंद की उपलब्धियां प्राप्त होंगी आपके जीवन में। कतई कभी तो उत्पन्न नहीं हुआ। आप कहेंगे, नहीं सर जी, अब जो है बस यही है, अब जो शेष है बस यही विशेष है। टेंशन नहीं लेनी है, पूरा फोकस बनाना है, क्योंकि आप फ्यूचर अकेडमी एक्स वाई जेड से पढ़ रहे हैं। बाहुबली बैच के साथ बाहुबली बनना है आपको। चलते हैं टॉपिक पर। भैया जी, जो डायफ्राम होता है, डायफ्राम एक्चुअली में होता क्या, इसके बारे में बताएंगे। तो यह बक्ष गुहा के नीचे उदर के ऊपर पाया जाता है। यह संयोजित ऊतकों का बना होता है। किसका बना होता है? संयोजित ऊतकों का बना होता है। देखिए, ये आपकी हड्डी, ये लगी आपकी पसुली। कहना सर जी, पसुली तो कति गजब बना रहे आपने। अरे थोड़ा समझ लिया करो आप लोग, हमें समझदार बालक हो। ये पसुलियां, इसके नीचे ये है डायफ्राम। क्या है ये? है ना, ये डायफ्राम। आपको बता दें हम, बहुत बढ़िया चीज है डायफ्राम। अगर आपका टूट जाता है तो आप ऑन द स्पॉट खत्म हो जाएंगे, आपके बचने का 1% चांस नहीं है अगर ये डायफ्राम टूट जाता है आपका। अधिकतर बॉक्सर जो बॉक्सिंग करते हैं रिंग में, अधिकतर लोगों का जो मरने का प्रमुख कारण होता है, डायफ्राम टूटने का प्रमुख कारण बताया गया है। अक्सर डायफ्राम में लग जाने के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। तो डायफ्राम बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम की दृष्टि से भी और आपके जीवन की दृष्टि से भी। समझते हैं डायफ्राम। डायफ्राम क्या करता है, मान लीजिए आपने एक गुब्बारा है आपके पास, समझो थोड़ा सा, ठीक है। अब गुब्बारे में पानी भरा है, सब ठीक है, पर आपने उसमें एक आराम से एक छेद कर दिया। कहना सर ये भी ठीक है, तो उसमें से कहना सर जी पानी गिरने लगेगा, लेकिन हम भाई उसकी रफ्तार से पानी बाहर निकालता हूँ। कहना सर जी उसको हम दबाएंगे गुब्बारे को, तो वो जहाँ से छेद होगा वहाँ से अधिक मात्रा में क्या बोलते हैं पानी निकलने लगेगा। कहना सर जी ठीक है, बात समझ में आ रही है हमें थोड़ी सी, क्या कहना क्या चाह रहे हैं। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, आपने देखा होगा, समझिए थोड़ा सा। आप इसकी जगह एक एग्जाम्पल और ले सकते हैं। आप जब आप जैसे मान लीजिए आपने फेफड़े में सांस ली और उसको छोड़ा, जब तक उस पर कोई बाहरी बल नहीं लगेगा, जब तक उस पर हाइड्रोलिक प्रेस मान लो, हाइड्रोलिक ब्रेक मान लो, उसमें क्या लिक्विड भरा रहता है, जब तक वहां से प्रेशर नहीं लगता है तब तक ट्रॉली नहीं उठती है ना। तो यही कारण है कि मान लो अपना जो शरीर है ना, अब सांस तो ले ली, अब बाहर छोड़ने के लिए अंदर से प्रेशर देने की जरूरत है, जब तो भैया सांस छोड़ पाएंगे, नहीं तो अंदर ही बनी रहेगी, अटक अटक गई, उन्हीं सांस अटक गई, सांस अटक गई, सांस अटक गई, ऐसी समस्या नहीं मिली, हार्ट अटैक आ गया, हार्ट अटैक आ गया। तो अंदर नीचे से प्रेशर देने का काम करता है कौन? डायफ्राम। डायफ्राम ने प्रेशर दिया और आपकी जो सांस है आपके नाक के माध्यम से, नासा छिद्र के माध्यम से बाहर निकलने का काम किया। एक्चुअली में यह कहना भी यही चाहता है कि कहाँ पर होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है, जो डायफ्राम होता है कहाँ पर होता है? कहना सर जी यह होता है बक्ष गुहा के नीचे उदर गुहा के ऊपर, बक्ष गुहा के नीचे उदर गुहा के ऊपर, बक्ष गुहा के नीचे उदर गुहा के ऊपर। यह संयोजी ऊतकों का बना होता है। किसके, कौन से ऊतकों का? कहना सर जी यह संयोजी ऊतक। डायफ्राम किसका बना होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है एग्जाम की दृष्टि से और आपके जीवन की दृष्टि से भी, कि संयोजी ऊतक कैसे ऊतक होते हैं। कहना सर जी डायफ्राम इसका प्रमुख उदाहरण है, और डायफ्राम किसका बना होता है? संयोजी ऊतकों का, ठीक है। निःश्वसन में है 75% योगदान देता है, निःश्वसन में तो देगा ही, क्योंकि यह सांस छोड़ने का काम कर रहा है और सांस छोड़ने में मदद कर रहा है, यानी 75% योगदान देता है, महत्वपूर्ण चीज है। इसके बाद गर्भवती महिला में निःश्वसन डायफ्राम महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाता है।
भैया जी महत्वपूर्ण भूमिका इसलिए निभाता है कि जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनके पेट में बेबी होता है और वो कहीं ना कहीं जो प्रेशर जो होगा ना प्रेशर ऊपर की ओर डालने का काम करेगा तो उसमें महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाती है। समझिएगा थोड़ा सा, आपको बता दें आप थोड़ा सा इसका क्या है एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेने का काम कीजिए जिससे कि आपको चीज़ें बहुत बढ़िया तरीके से क्लियर हो जाएं और आपको समझ में भी आना चाहिए कि नहीं इसे मैंने कहा था। जल्दी से ले लीजिए भैया जी, बढ़िया तरीके से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोई समस्या नहीं है भैया, नोट कर लीजिएगा, समझ रहे होंगे आप लोग कि जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनमें डायफ्राम का कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाती, महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का काम नहीं करती है। इसके बाद आपको बताने के लिए मैंने लिखा डायफ्राम जो होता है भैया जी इसके टूट जाने पर जो व्यक्ति की मृत्यु ऑन द स्पॉट हो जाती है, मैंने आपको अभी बता दिया, बहुत बढ़िया तरीके से समझाया, आपको आनंद भी आया होगा। उसके बाद आते हैं नासा छिद्र। नासा छिद्र कहना सर जी आपने पिछली वीडियो में बताया था श्वसन जो मार्ग होते हैं कौन कौन से होते हैं, कहना सर जी नासा छिद्र नासिका कपाट रेशनी रेशनी के बाद कहना स्वर्धन स्वर्धन के बाद श्वसनली श्वसनली के बाद ब्रोंका ब्रोंकुलिस्ट ब्रोंकुलिस्ट के बाद क्या होगा वायुकोश वायुकोश के बाद रुधिर रुधिर के बाद कोशिका, ये आपका तंत्र था। तो जो नासा छिद्र के बारे में बात करेंगे पहले तो उसका नासिका कपाट ग्रसनी स्वरतंत्र इस तरीके से चलेंगे, बढ़िया तरीके से डिटेल में भी जानेंगे। नाचे यह नासा का नाक का अगला वाला भाग होता है, इसके अंदर वायु जाती है और इसमें बाल पाए जाते हैं। भैया जी नाक होती है आपने देखा होगा बाल पाए जाते हैं, इसका प्रमुख कारण यह है कि आपको यह धूल के कण जो होंगे ना धूल के जो कण होंगे वो नाक के जो बाल होंगे वहीं पर रोक लिए जाते हैं, जो वायु होती है फिल्टर करने का कहीं ना कहीं काम करती है तो वहाँ से वायु को भेज देते हैं, जो कण होते हैं उनको रोक दिया जाता है। मान लीजिए कभी ऐसा होता है कि नहीं रोक पाते हैं कण को या अंदर चला जाता है तो हमें छींक आने लगती है, जब तक छींक आती रहेंगी जब तक वो धूल का जो कण है बाहर नहीं निकल जाएगा जब तक। इसके बाद नासिका छिद्र समझ में आ गया होगा, नासिका कपाट देखते हैं, यह नाक का पिछला वाला भाग होता है, कैसा होता है नाक का पिछला वाला भाग होता है, इसमें चिपचिपा म्यूकस म्यूकस मिला होता है। देख रहे भैया जहाँ भी चिपचिपी वाले पदार्थ की बात हो रही है ना वहाँ पर म्यूकस, हमने पाचन तंत्र में भी पढ़ा था भोजन में म्यूकस मिला दिया जिससे भोजन चिपचिपा हो जाता है, इसमें भी देखो हम पढ़ रहे हैं चिपचिपा हो जाता है तो म्यूकस पाया जाता है, जहाँ भी चिपचिपा पाया जाएगा तो वहाँ म्यूकस, जहाँ चिपचिपा म्यूकस, जहाँ चिपचिपा म्यूकस, ठीक है ना। नासिका जो कपाट होती है उसके पास उसके देखिए समझो थोड़ा सा यहाँ पर मैं समझाने का कार्य करूंगा, जो आपका जो नाक का जो पिछला वाला भाग होता है कहीं ना कहीं बहुत चिपचिपा होने का कार्य करता है। कहना सर जी चिपचिपा होने से आपका मतलब क्या है, इससे हमें क्या क्या बेनिफिट है और क्या फायदा है, थोड़ा बताइए थोड़ा सा। तो आपको हम बताने का कार्य करेंगे, आपने सोचा होगा कभी भी कि जो आपका नासिका जो कपाट है ना उसके पीछे म्यूकस पड़ा है, धूल के कण होते हैं ना कभी कभी जो धूल के कण होते हैं उनको चिपकाने का काम करते हैं, बाल से तो कहीं ना कहीं छूट जाएंगे तो उसको चिपका लेंगे चिपका लेंगे। तो आपने देखा होगा कि कभी कभी जुखाम के माध्यम से है कहीं ना किसी माध्यम से वह निकलने का कार्य करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा ये क्या करते हैं नासिका कपाट, जो हमें सुगंध का एहसास भी कराते हैं, ये क्या करते हैं हमें सुगंध का एहसास भी कराने का काम करता है, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है नासिका कपाट कहीं ना कहीं एग्जाम की दृष्टि से और आपकी दृष्टि से भी जीवन की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके बाद बात करेंगे ग्रसनी, ग्रसनी क्या कहते हैं भैया जी, ग्रसनी क्या कहेंगे इसको भी इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा भैया जी, इम्पोर्टेंट है कहीं ना कहीं एग्जाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ ग्रसनली क्या कहेंगे, ग्रसनली जो होती है यह नासिका कपाट के नीचे तथा मुख गुहा के पीछे क्या होती है, ग्रसनी क्या होती है नासिका कपाट के नीचे मुख गुहा के पीछे, नासिका कपाट के नीचे मुख गुहा के पीछे पाई जाती है। इस मार्ग में भोजन तथा वायु दोनों मिलती है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन तो यहाँ से बनता है भैया जी, कहीं ना कहीं ये आपके जीवन से रिलेटेड है, आपको ये समझना चाहिए। देखो समझो थोड़ा सा, ये तो चित्र आपको समझ में आ गया होगा, समझो थोड़ा सा, ये आपका मुंह है कहीं ना कहीं, समझ रहे हैं ना, ये आपकी नस जा रही है, समझो थोड़ा सा,
ये भैया जी आपकी ग्रास नली है और ये फेफड़े हैं। क्या है ये? फेफड़े। और इसमें गुच्छे बने होते हैं। इस प्रकार आपको पता तो है, सब चीजें समझा चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रही है चीजें, है ना? समझो थोड़ा सा। अब ये यहां से हमें देखो भोजन भी खाना है और उसी माध्यम से हमें सांस भी लेना है। तो सर जी हमें एक बार ऐसा हुआ, इससे महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये उठता है, सर जी हम हिचकी आने लगती है, इसका क्या कारण है आपके? भैया जी हिचकी आने का प्रमुख कारण यही है कि क्या होता है, आप कहीं ना कहीं अपने दिमाग को कहीं और व्यस्त किए होते हैं। मान लीजिए आप टीवी देख रहे हैं या मोबाइल चला रहे हैं या कोई जरूरी काम कर रहे हैं, कोई सोच विचार करने का आप काम करते हैं, तो इस प्रकार की चीज़ें हैं ना जो आपके दिमाग में आती है कि नहीं भाई ऐसा चीज़ है, तो भाई जो क्या होता है, जो खाना होता है वो ब्रश नली में ना जाकर ये स्वर जो क्या बोलते हैं आपके श्वसन तंत्र होता है ना, श्वास नली में चला जाता। अब भैया जी श्वसन श्वसन तंत्र में जाने के बाद यहाँ पर निकास के लिए कोई माध्यम नहीं है, है ना? तो यहाँ पर कोई माध्यम नहीं है तो क्या होती, हमें हिचकी आने लगती, बहुत ज़्यादा हिचकी, बिल्कुल हिचकी आने लगती। कभी कभी तो बहुत चिंगे भी होने लगती, बहुत सारी चीज़ें एकदम हिचकी आएगी, एकदम एकदम इतनी तेज हिचकी आने लगती बिल्कुल है। इसके अलावा आपको बता दें इसमें आपको बहुत सारी समस्याएं भी देखने को मिलती हैं। इतने भयंकर ठसका लग जाता, खूब तेज इतना ठसका लगेगा, गला बिल्कुल जलने लगे, माई गॉड जी क्या हो गया। इस प्रकार की समस्याएं जब ये जो भोजन है ना ग्रास नली में जाकर श्वास नली में चला जाता है, इसमें एक्चुअली में क्या कपाट लगे होते हैं। जैसे ही आप श्वास लेते हैं तो ग्रास नली को बंद कर दिया जाता है, श्वास के माध्यम में वायु चलती रहती है। और जब खाना खाते हैं आप दोनों काम साथ में नहीं कर सकते, उसको खाने को भी अटकी और सांस को भी लीजिए, कभी दोनों नहीं कर पाएंगे। अगर ऐसा कर लेते तो ठसका लग जाता है। कहते नहीं ठसका, भाई धीमे धीमे खाओ, गम खाओ, है ना? इस प्रकार की बातें आपने बूढ़े बुजुर्गों के माध्यम से सुनने का कार्य किया होगा। तो भैया जी जो आपने खाना खाया वो कहीं ना कहीं अगर आपका जो ब्रोंकाइटिस में चला जाता है तो क्या है, बहुत ठसका लगने लगता है बहुत ज़्यादा। इससे क्या फेफड़ों को क्या है, खाना निकालना है इस माध्यम से। कुछ भी हो जाए खाना निकालना चाहिए, नहीं तो यहाँ पर सड़ जाएगा खाना, सड़ जाएगा तो ये जो खराब है ना फेफड़े खराब होने लगेंगे, इस प्रकार की बीमारियाँ देखने को मिलती हैं। तो इसमें एक द्वार लगा होता है, उसके बारे में बताएंगे आगे, आपको समझाएंगे बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। ग्रास नली है नासिका कपाट के नीचे तथा मुख्य द्वार के ऊपर पाया जाता है। इस मार्ग में भोजन और वायु दोनों, हमने अभी बताया भोजन और वायु दोनों दोनों जाते हैं। इसके बाद नोट पढ़िएगा, ग्रास नली ग्रसनी निगल द्वारा के माध्यम से, निगल द्वारा के माध्यम से ग्रास नली से जुड़ा होता है। किस माध्यम से जुड़ा होता है? सबसे निगल द्वार से। किस माध्यम से? निगल द्वार से। इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम की दृष्टि से भी है जी, SSC लिख लीजिए और RRB लिख लीजिए, ठीक है? इसके बाद बात करेंगे ग्रसनी, जो ग्रसनी के बाद श्वसन स्वर तंत्र के द्वारा हम श्वास नली से जुड़े होते हैं। श्वसन तंत्र के द्वारा किससे? श्वास नली द्वारा जुड़े होते हैं। श्वसन तंत्र क्या होता है? यह ग्रास नली के नीचे पाया जाता है, ये आवाज को निकालने में सहायता करते हैं। इसको हम किसको वॉल्यूम बॉक्स भी कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं? वॉल्यूम बॉक्स भी कहते हैं। पक्षी में वॉल्यूम बॉक्स का काम करता है, ठीक है ना? अब समझिएगा थोड़ा सा, ये बढ़िया तरीके से आपको समझाया। ग्रास नली भी बहुत बढ़िया तरीके से आपको समझ में आ रही होगी। ग्रास नली होती भैया जी वो दोनों किसके माध्यम से? स्वर तंत्र के माध्यम से जुड़ी होती है। यहाँ पर एक कपाट लगे होते हैं, जब चैप्टर आगे भी आएगा ना इसी में तो हम समझाएंगे आपको, कपाट के बारे में बताएंगे, किस माध्यम से फेफड़े सांस लेते हैं, किस माध्यम से उधर फिल्टर होता है। बड़ी बेहतरीन क्लास होगी, मजा आएगा, आप कहेंगे सच्ची आनंद ही आनंद है, अब तो जीवन में कुछ कष्ट है ही, है ना? तो इसी के साथ आपको बता दें कि बेहतरीन तरीके से जीवन को भी समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपको क्या करना होगा? कहना सच्ची पता है हमें क्या, वीडियो को लाइक कर देना होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर देना होगा और शेयर करके आना होगा अपने यार दोस्तों चाहने वालों के साथ, क्योंकि आज की जो वीडियो थी बेहतरीन गजब और लाजवाब होने का कार्य कर रही थी। इस साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक फॉर वॉचिंग।